A cart is moving horizontally along a straight line with constant speed 30 meter per second. A projectile is to be fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart after the cart has moved 80 meter. At what speed related to the cart must the projectile be fired? Take g equal to 10 meter per second. क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कार्ट है, उसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल में है 30 मीटर पर सेकेंड. ओके, इसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जिसने क्या करा, ऊपर की तरफ एक बॉल को फेंका. इसने क्या करा, एक बॉल इज ए प्रोजेक्टाइल इज टू बी फायर्ड. इसने क्या करा, एक बॉल को फेंका और वो क्या बना रही है, प्रोजेक्टाइल बना रही है. और ये जब 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो ये क्या करता है, 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो ये कार्ट यहाँ पे आ जाता है और ये बॉल को क्या कर लेता है, बॉल को ये क्या कर लेता है, कैच कर लेता है. ओके, तो इसने कहा है कि इसको टाइम ऑफ क्या, जो वेलोसिटी है, कितने वेलोसिटी से ये फेंक के कि ये क्या करे, जब 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो उस केस में इसके बॉल है जो वो क्या आ जाए, हाथ में आ जाए. तो इसका मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल जो इसके जो बॉल फेंकी है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, जो वही होगी जो कार्ट की होगी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, वही होगी जो कार्ट की होगी. अगर कार्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो बॉल की एक ही वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, 30 मीटर पर सेकेंड. अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो इसकी ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, u, और हॉरिजॉन्टल क्या रहेगी, इसकी 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी. क्योंकि जब कार्ट यहाँ पे आएगा तो बॉल क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पे, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, जीरो, और सॉरी वर्टिकल जीरो हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल क्या रहेगी, 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी. जब बॉल ये कार्ट यहाँ पे आ जाएगा तो भी इसकी जो बॉल की होगी वो हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगी, 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी. यानी कि कार्ट ऐसे जा रहा है तो इस आदमी को लगेगा कि जो बॉल है वो हमेशा ही इस आदमी की क्या रहेगी, सिर पे रहेगी. इसको लगेगा कि बॉल क्या है, स्ट्रेट लाइन गई है और वापिस स्ट्रेट ही नीचे आई है. इसको नहीं पता लगेगा कि ये इसने प्रोजेक्टाइल बनाया है. अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू जे कैप प्लस 30 i कैप प्लस यू जे कैप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. पर कार्ट के रिस्पेक्ट में इसकी जो बॉल की वेलोसिटी रहेगी वो हमेशा ही क्या रहेगी, 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी. तो इसने क्या करा, 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, यानी कि रेंज क्या होगी हमारे पास, 80 मीटर रेंज क्या दे दी इसने, 80 मीटर रेंज होगी. क्योंकि यहाँ से इसने फेंका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पे इसने कैच कर लिया तो ये क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक. तो बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी हमारे पास, रेंज हो जाएगी. तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज डिवाइड बाय में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रेंज डिवाइड बाय में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. रेंज कितनी है, 80 मीटर, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, 30. तो 8/3 सेकंड्स क्या लगेंगे इसको, टाइम लगेगा. टाइम क्या हो गया हमारे पास, 8/3 सेकंड. ये इस आदमी को, ये आदमी साथ साथ चल रहा है, इसको हमेशा ही ये लगेगा कि बॉल हमेशा सिर पे लगी, इसको हमेशा ये लगेगा कि बॉल ऊपर सीधी जाके सीधी वापिस आई है. अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जो बॉल की स्पीड रहेगी वो यू 30 i कैप प्लस यू जे कैप ही रहेगी. ओके, अब हमें निकाल टाइम ऑफ फ्लाइट. तो इसने वेलोसिटी पूछी है कि कितनी वेलोसिटी से इसने फेंका होगा कि 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस बॉल इसके हाथ में वापस आ गई. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हमारे पास, 2u/g. टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g. टाइम ऑफ फ्लाइट 8/3 इक्वल टू 2 × में u हमें निकालना है, डिवाइड बाय में g क्या आ जाएगा, 10. तो 8 × 10 डिवाइड बाय में 3 × में 2 इक्वल टू u आ जाएगा. तो u क्या आ जाएगा हमारे पास, 40/3 मीटर पर सेकंड से इसने क्या करा होगा, बॉल को फेंका होगा और ये 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बॉल वापस से इसके हाथ में आ गई. दिस इज द क्वेश्चन.